बुद्ध में तेरा ध्यान है उसी तरह नारायण में लगाती तो ना तुझे गप्पे दिखते, ना तुझे कचरा दिखता, ना बहुओं की बुराई दिखती। बस मंदिर में ध्यान लगा और चली जा, पर तेरा ध्यान तो जो गप्पे मारने वाली उसमें लगा। तो माला जपे कहां से, एक हाथ में माला लेके बैठी, दूसरी तरफ तो कान तो मां लगा। श्री मंदिर ध्यान लगा, फिर मंदिर आने का कोई फायदा है? अरे बोले तो बस, तो फिर गई है ना राम नाम लीनो, ओ तूने भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। फिर मतलब क्या है, सार तत्वता क्या, सिद्धता क्या, फिर तात्विक सुख रहा कहां? बैठे हो कथा में, अगर कथा में बैठे हो तो तुम्हारा चित्त कहां होना चाहिए, बोलो जरा जम के बोलो, कथा में। फिर क्यों मतलब कि कौन क्या कह रहा है, कौन कौन सी साड़ी पहन कर आया, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। विष्णु पुराण की कथा कर रही है, स्वयं शास्त्र वर्णन कर रहा है, तो वैजयंती का जो चरित्र कहा गया, भगवान नारायण की जो उत्पत्ति का केंद्र बिंदु बताया गया, भगवान विष्णु का जो प्रागट्य कहा गया, भगवान मस्तक पर मुकुट है, गले में वैजयंती माला है, पीताम्बर धारण करे हुए हैं और सुंदर कानों में कर्णफूल पहने हैं, और मेरे नारायण जल में से आयन करने के कारण उनका नाम नारायण हुआ, प्रगट हो गए नारायण। और नारायण प्रगट हुए, चारों तरफ सुख समाहित हुआ कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण भगवत तत्व का सुख कह रहा है महाराज भागवत। नारायण भगवान विष्णु की पावन कथा विष्णु पुराण कहती है, भगवान नारायण की उत्पत्ति हुई और भगवान नारायण ने फिर अपने इस पुनित पावन नाभि कोश से ब्रह्मा जी को प्रकट किया है। किसको प्रकट करा, जम के बोलिए, ब्रह्मा। अब ब्रह्मदेव को प्रकट कर कहा ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मेरी उत्पत्ति का कारण बताइए, मैं प्रगट क्यों हुआ हूं वो बताइए, मेरा जन्म क्यों हुआ वो बताइए। कभी कभी हमारे भी मन में ये बात आना चाहिए जो ब्रह्मा जी के मन में आई,
ब्रह्मा जी के मन में क्या आया कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं किस लिए पैदा हूं। कभी कभी हमारे मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि हमारा जन्म क्यों हुआ, हम किस लिए पैदा हुए। किस लिए पैदा हुआ है? रोटी बनाने के लिए, खाने के लिए, डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए, घर में झाड़ू पोछा करने के लिए, बच्चों को बड़ा करने के लिए? बोलो तो सरी। ए जीजियों, सबसे बुरी अगर जिंदगी का आनंद, सबसे बेकार अगर कहीं आपके जीवन में, मैं कहता हूं पुरुष तो फिर भी सुखी है पर नारी अपने जीवन में सुखी कहां, बताइए। बचपन में माता पिता के अधीन, बड़ी हुई शादी हुई तो पति के अधीन, और बुढ़ापा आया तो पुत्र के अधीन। किसके अधीन? पुत्र। और क्या तुम्हारा क्या है? पूरी जिंदगी जिसके लिए करा, पूरी जिंदगी। आजकल माताओं से पूछो क्यों तुम्हारे बच्चे कहां हैं? अरे गुरुजी वो बड़ा बेटा तो पूना में जॉब कर रहा है और छोटा वो बेंगलोर में है। फिर यहां हम दोनों हैं डोकरा डोकरी। बस इतना तो सुनो, और सुनने के बाद अगर इतना कह दो तो औलाद किसके लिए पैदा करी। अगर पूछा जाए कि बेटा एंडीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार, ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहां धरोगे। महाराज मेरा बेटा पूना में, मेरी बेटी वहां, मेरा बड़ा बेटा वहां, और तुम दोनों हम दोनों यहाँ। पड़ोसी के बच्चे से कह रहा बेटा दूध की थैली ला दे, बेटा सब्जी ला दे, पड़ोसी के बच्चे से कह रहा है ये ला दे, पड़ोसी के बच्चे से कह रहा है वो ला दे, 24 घंटा पड़ोसी के बच्चों से। तो एक काम करो, जब पड़ोसी का बच्चा दूध की थैली ला रहा है, तुम बीमार पड़ रहे हो तो पड़ोसी का बच्चा तुम्हारा इलाज करवा रहा है, पड़ोसी का बच्चा तुम्हारी सेवा कर रहा है, तो जमीन और जायदाद भी पड़ोसी के बच्चे को दे। वो तो जो बेटा पूना में है, जो बेटा मुंबई में है, जायदाद उसको, और प्राण खाए पड़ोसी के बच्चे की। क्या विचार है? अरे बोलो तो अच्छे से बोलो। कई लोगों होड़ में लगे हैं, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी, सीए बनाऊंगी, सब लगे खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, हम भी कह रहे हैं खूब पढ़ाओ बच्चे को, डॉक्टर इंजीनियर सीए सब कुछ बनाओ, पर विष्णु पुराण कहती है उससे पहले बच्चों को संस्कारित बनाओ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर सब बनने से पहले बच्चों को संस्कारित बनाना जरूरी है, नहीं तो बेटा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, सीए बन जाएगा, और तुम्हारे यहां कब आएगा? दीपावली पे मुंह दिखाने, तीज त्योहार पे अपनी धर्म पत्नी को लाएगा, और धर्म पत्नी भी ऐसी डेंटिंग पेंटिंग करके कई काम नहीं करेगी, मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी करके 4 दिन मुंह सुखाएगी और माल भरेगी झोला और ले जाएगी। और आज की लड़कियों को सर्विस वाले चाहिए। कौन से? जम के बोलो, सर्विस वाले, सर्विस क्लास, बिजनेस क्लास नहीं। क्यों? बिजनेस करेगा तो माँ बाप साथ में रहेंगे, और सर्विस करेगा तो दोनों अकेले रहेंगे। क्यों? सर्विस करेगा तो पत्नी रोटी बनाए तो ठीक, नहीं तो होटल भली जाओ लेके आ, आर्डर दो, 2 दिन के लिए बहुएं मायके ससुराल आती हैं। आज के समय में कितने दिन के लिए? 2-4 दिन के लिए। जैसे बेटी आती थी पहले समय में, आजकल बहुएं 2-4 दिन के लिए आती हैं। 4 दिन में घर में काम करने में इनके पसीने छूट जाते हैं, तो ईमानदारी से बोलो साथ रहती तो क्या होता? क्या मतलब?
पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बनाओ। यहाँ भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरी उत्पत्ति क्यों हुई है, मैं किस कारण पैदा हुआ हूं। आपको भी यह मालूम होना चाहिए कि हमारा जन्म क्यों हुआ, केवल खाने के लिए? माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, ये गर्भ के अंदर दोनों मुष्टिकाएं बंद, और भगवान से अंदर ही प्रार्थना कर रहे थे, भगवान हमें बाहर निकाल दे, हम भजन करेंगे भजन करेंगे भजन करेंगे। जैसे गर्भ से निकला हम तो भोजन करेंगे भोजन करेंगे भोजन करेंगे, भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। तीन बार भोजन, भजन एक बार, और उसमें भी उलझन आती है बार बार। अब कुछ नहीं सुहा है, केवल एक ही चीज सुहा है, सत्तू मिल जाए। सपने में भी इमरती और जलेबी दिखती है, और जब जब व्यक्ति को हिचकी चली चलती, कभी कभी क्या बोलते हैं, मेरा बेटा याद कर रहा, मेरी बेटी याद कर रही, एक बार मुंह से नहीं बोला कि चार भुजा नाथ याद कर रही है। बहुत दिन से कथा में नहीं गई, बहुत दिन से मंदिर नहीं गई, तो मैं मंगरूल नाथ जाऊं, मेरा चार भुजा नाथ मुझे याद कर रहा। कभी नहीं बोली जिंदगी में बहुत है कि मेरे को कथा में वो सीवर वाला महाराज आया है कथा करने के लिए, बहुत दिन हो गए शिव पुराण में आया था, उसके बाद हम आया तो महाराज याद कर रही है, चलू मैं कथा सुनने जाऊं, कथा सुन। बेटी याद कर, बेटा याद कर रहा, कभी नहीं बोली कि नारायण याद कर रहा, कभी मत कर, तेरे याद करने से क्या हो। परंतु तुम याद करो चाहे ना करो, एक आध दिन उसने भूले से भी याद कर लिया नहीं तो समझ ले। भूले से भी कह दिया बिमला गई, भूले से भी जहां बोल दिया कि मेरे को याद आई, बस क्यों छोड़े। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे, कि मैं तो हरि की दीवानी ऐसी हो गई रे, मारा सपना में आवे मारा सांवरिया। बस उचित वहां कुछ नहीं पाए, काय के लिए जन्म हुआ, किस लिए पैदा हुए। घर के लोग कहेंगे कहां जा रही, कथा में विष्णु पुराण में, तीन बज गई तो अभी से तीन बज रही जा रही, तो घर कौन देखेगा, तो क्या मेरे भरोसे रखोगे। मान लो मैं मर गई तो घर कौन संभालेगा, फिर भी तो याद करो। महाराज चेन्नई में स्टील फैक्ट्री वाले का नाम था उनका दागाजी, दागाजी की धर्म पत्नी दागाजी से बोली चेन्नई में, महेश्वरी समाज के लोग कथा करा रहे हैं, मैं मुख्य यजमान बनना चाहती हूं। दागाजी बोले तू बन जा, पर मेरे को टाइम नहीं है क्योंकि मुझे फैक्ट्री देखना पड़ती है, और अगर एक काम करें तो बेटे को और बहू को बिठा दे, बिठा दें क्या अपन। तो इतने में बेटा बोला मम्मी पापा चेन्नई वाली फैक्ट्री देखते हैं, मैं सेलम वाली फैक्ट्री देखती हूँ, टाइम नहीं है इतना, तुम दोनों बहू और सास बैठ जाओ। अब पत्नी के मन में था चाहे कुछ भी हो जाए शिव पुराण तो मैं सुनूं। दागाजी की पत्नी ने दागाजी को खूब समझाया पर नहीं माने। कभी मौका मिले चेन्नई जाओ तो महेश्वरी समाज में पूछना, ये प्रसंग बात करना, आपको बताएंगे। पत्नी बोली दागाजी की, एक बात बताओ तुम मेरे साथ में कथा में बैठ रहा हो कि नहीं बैठ रहा, तुझे दिख रहा है ना मेरे पास टाइम है क्या, फैक्ट्री कौन देखे काम कौन देखे, अगर मैं बैठ जाऊं तीन घंटा तो। पत्नी बोली अगर मैं मर जाऊंगी तो कितने दिन तुम घर में बैठोगे वो बताओ। पत्नी कहती है दागाजी मैं मर जाऊंगी तो तुम कितने दिन घर में बैठोगे वो बताओ। पति ने कहा फालतू बात कर रही है तू कथा के चक्कर में, नहीं कथा अपनी जगह पर, तुम बताओ कितने दिन छुट्टी करोगे। पति ने कहा फालतू की बात है ये, फालतू की बात मत कर, तो ये कथा कराना करा ले जा बैठ जा, नहीं तुम बताओ कि मैं मरूंगी तो कितने दिन छुट्टी मनाओगे, आठ दिन दस दिन पंद्रह दिन तो रुकोगे। हाँ बस इतना कहा। इतने में पत्नी ने कहा जब मैं मरूं तो दस दिन की छुट्टी मत रखना, पर मेरे साथ तुम भागवत के शिव पुराण के यजमान बनकर बैठ जा, मरने के बाद मत कर। जन्म क्यों हुआ,
कभी ब्रह्मा जी जैसा विचार कर कर देखो। ब्रह्मा जी विष्णु पुराण में स्वयं नारायण से कह रहे हैं मेरा जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हुआ। कभी आप अपने मन पर हाथ रख कर ये विचार करना कि आपका जन्म किस लिए हुआ। क्या दुकान पर जाने के लिए 8 बजे से सवेरे 8 बजे से लेकर 12-12 रात के 11-11 10-10 बजे तक दुकान पर बैठे हो। खाना खाने तक का टाइम नहीं है, किसके लिए कमा रहे हो कभी विचार कर। और माताओं से पूछो तुम्हारा जन्म काहे के लिए हुआ जी जियो। अरे बोलो तो, बस बच्चों को पालो पोसो बड़ा करो और फिर आखिरी में उन्हीं की सुनो, पहले बच्चों की सुनो फिर उनकी आ जाए वो जगदम्बा चंद्रघंटा स्कंदा कुष्मांडा फिर उनकी सुनो। किसके लिए पैदा हुए हो, क्या करने आए हो। ब्रह्मा जी जैसा विचार करना, विष्णु पुराण में लिखा है ब्रह्मा जैसा मन में विचार करिए कि हमारा जन्म किस लिए हुआ, हम पैदा किसके लिए हुए, क्या करने के लिए आए, पृथ्वी पर क्यों अवतरित हुए, क्या करना है। बस एक ही काम करना है, घर संभालो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, रोटी बनाओ, भाजी बनाओ, बच्चों को पाल पोस के बड़ा करो और बस थोड़ी देर श्रृंगार कर लो और थोड़ी देर टीवी देख लो और थोड़ी देर बाद फिर खा पी के फिर शाम के लग्गा लगाओ। सवेरे का लग्गा पूरा हुआ, बर्तन मर्तन मंजे, शाम के 4 बजे चाय पी ली, शाम के 8 बजे भोजन की तैयारी, भोजन से निपटे फिर सोने की तैयारी, फिर सुबह से उठे ने किचन में फिर पहुंच गए, फिर चाय बनाओ सबके पिलाओ, फिर नाश्ते की तैयारी, भोजन की तैयारी, फिर ये का 2 अगरबत्ती उठा ली, दिया लगा दिया, 5 मिनट भगवान के सामने ऐसी जाती जैसे घर में पोछा लगाना एक काम, झाड़ू लगाना एक काम, बर्तन मांजना एक काम, ऐसी भगवान को दिया लगाना भी एक काम। बस भगवान की पूजन भी काम मान के रखिए कि ये भी काम तो जरूरी है गुरुजी, करना ही पड़े गुरुजी, काम तो करना पड़सी, ये कौन करेगा दिया बत्ती, तो ये भी काम। भगवान ने कहा तूने मेरी पूजन को, तूने मेरे भजन को, तूने मेरे काम को, अगर तूने मेरी सेवा को काम मान लिया तो भगवान ने कहा मैंने भी तुझे तनख्वाह देना चालू कर दी, जा तू ही तो काम मान के बैठी, तूने काम मान, मैंने तनखा दे दी। और अब फिर सब पंडितों से पूछती फिर हमारे यहाँ बरकत नहीं हो रही, हमारे यहाँ बरकत नहीं हो रही, भगवान के बरकत होएगा, तूने जब मेरी सेवा को काम माना है तो मैंने तनखा दी, तू पहले मुझे अपना मानती थी तो मैं घर का गुजारा करता था, जब घर का सदस्य हूं तो घर चलाऊंगा, और तू अगर काम समझ के कर रही है तो मेरी तनखा दे रहा हूं, बस हिसाब बराबर मन तेरा। आज रात को तुम्हारे मन में ये विचार आना चाहिए, ओ जी जी ओ। कौन सा विचार, ये ब्रह्मा जी वाला, हम पैदा क्यों हुए, काय के लिए हुए, किस लिए हुए, केवल काम करने के लिए नहीं। विष्णु पुराण कहती है हमारा जन्म क्यों हुआ है, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा तुम्हारा जन्म सृष्टि के विस्तार के लिए हुआ है, तुम मेरा स्मरण करो, सृष्टि का विस्तार करो, काम करो, साथ में नाम जपो। क्या करना है, कर्म करो, नाम जपो, पर कर्म गलत मत करना। बहुत सुंदर कहा किसी ने कि कर्म करो पर ध्यान रखो पत छूटे ना, उतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे। कर्म करो, मना नहीं, दुकान भी जाओ 8 बजे जाके दुकान खोल लो, 10-10 बजे तक बैठो, मना नहीं, तुम्हारी मर्जी पड़े तो रात के 2 बजे तक बैठो, हम तो वो भी मना नहीं करें, पर याद रखो कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। केवल दुकान, कई कई माताएं कह देती है, जब गुस्से में आती है माताएं तो कहने पीछे नहीं हटी, वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर जाऊंगी आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो ऐसा जैसी अम्मा उन बोले डोकरी बोले तो इनसे कह दो आधा घंटा मरी जा। कई लोग कहते हैं हम जिंदा हैं तो घर चल रहा है, वो तो मैं हूं इसलिए काम हो रहा है, वो तो मैं हूं इसलिए विष्णु पुराण हो रही, वो तो मैं हूं इसलिए यह हो गया, मैं मर जाती जब मालूम पड़ेगा आटे दाल का भाव तो उनसे कह दो आधे घंटे मर जा। हनुमान जी ने कह दिया था एक बार, हनुमान जी कह रहे हैं अर्जुन ने पूछा ये सेतु किसने बांधा, कौन सा, वो भारत से लंका तक
हनुमान जी बोले तुझे दिख नहीं रिया, हमने बांधा तुमने, मैं नहीं होता तो राम लंका पर चढ़ाई नहीं कर पाते, मैं नहीं होता तो राम रावण को जीत नहीं पाते। किसने बांधा? अर्जुन हंस दिए। अर्जुन ने कहा वो बंदर इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, अरे वो तो मेरे राम थे, तेरी सेतु की जरूरत ही नहीं पड़ती, और तूने तो एक एक पत्थर भीन भीन के सेतु बांधा, मेरे जैसा होता तो एक ही बाण चलाता और इतना लंबा बाण छोड़ता कि राम जी को मां पहुंचा देता, वही सेतु पे बाण का सेतु बनाता, पत्थर का बनाया। हनुमान जी बोले तू मेरा अपमान कर रहा है। अर्जुन बोले तू मेरा मेरा क्यों कर रहा है तू, वो तो राम की कृपा थी, सेतु बन गया, तुमने बना दिया, तुम निमित्त हो राम के लिए, जो तुम्हारे कहने पर तुम्हारे कहने से राम ने सेतु बनवाया, तुम निमित्त हो। अर्जुन तू मेरी हंसी उड़ा रहा है, अगर तू इतना वीर है तो बना सेतु। और ऐसा बाण का सेतु मैं एक पांव में तोड़ दूंगा, इतना वीर हूं मैं, हनुमान कह रहा है। अर्जुन कह रहा है ठीक है, इतना अहंकार बंदर तुझे, इतना देखूं मैं भी, और अगर नी टूटा तो। हनुमान जी बोले नी टूटा तो मैं जल के भस्म हो जाऊं। ठीक है, अर्जुन ने बाण से सेतु बना दिया, हनुमान जी ने पांव धरा, टूटे ही। अर्जुन ने कहा लगाओ चिता और जल। हनुमान जी ने चिता बनाई, उसमें बैठे, आग ही लगाने वाले थे, इतने में भगवान कृष्ण आ गए। कृष्ण ने आकर कहा ये क्या हो रहा, क्योंकि कन्हैया ने ही तो लीला रची थी, ये हनुमान का जो अहंकार था इसको तोड़ना जरूरी था कि मैंने करा मैंने। मैं कौन? लल्लन जी। यही तो तोड़ना। बस भगवान ने आकर पूछा ये क्या हो रहा है हनुमान, तुम जल क्यों रहे? हनुमान जी बोले प्रभु इनने सेतु बनाया, बाण कर वो मैं तोड़ नहीं पाया। तो जो हनुमान गलती किसकी है? हनुमान बोले गलती मेरी है, मैंने कहा कि मैंने राम को पार करा, मैंने विजय दिलवाई, मैंने करा। भगवान हनुमान क्या चाहते हो? हनुमान कहते हैं गलती तो करिए कि मेरा अहंकार मुझे बहुत था, उस अभिमान को अर्जुन ने तोड़ दिया है, उस अभिमान को अर्जुन ने तोड़ा है, तो इस अभिमान को लेकर अब मैं जीना नहीं चाहता, जलकर भस्म होना चाहता। तो क्यों भस्म होना? एक काम करना, तू अर्जुन का हो जा, अर्जुन तेरा हो जा, लगो गले। हनुमान और अर्जुन गले लग गए। तुम दोनों अगर एक हो जाओगे तो मेरे को जिंदगी में सुख मिलेगा। हनुमान जी ने कहा तो मैं कहां तुम्हारे साथ रहने वाला हूं, रहेगा। एक काम कर, तू अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा लगी है उस ध्वजा में आज से विराजमान हो जा। किसकी ध्वजा में? अर्जुन की ध्वजा। अर्जुन के रथ की ध्वजा में हनुमान जी को विराजमान कर दिया, तो इसमें रहे, क्योंकि तू मेरा हो जाएगा, तेरा अहंकार चले गया। जब अभिमान जाता है तो व्यक्ति ध्वजा की तरह एकदम लहराता है, कैसा? कोमल। अहंकार जाता है तो व्यक्ति का हृदय एक सूखे पत्ते की तरह फड़फड़ाता है, अभिमान गया तो वो राम का हो गया, वो कृष्ण का हो गया। तो कोई कहे तुमसे कि मेरे मैं तो कह दो आधे घंटे मर जा, मरो। तुम जिंदा हो तो इतना जरूर है कि घी घना, और मर जाओगे तो मुट्ठी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भगवान ने सबकी लेखनी लिखी, सबका किस्मत लिखी, सबका व्यवहार लिखा, सबकी उम्र लिखी। तुम जिंदा रहते हो तो अपन जब तक जीवित है तब तक लगता है घर में कौन रहेगा, घर में कौन रहेगा, मम्मी चली गई कथा में, जीजी चली गई कथा में, तो घर में कोई का रहना तो जरूरी है।
तो ईमानदारी से सोचो, अब मां बैठ कर सोचना, अब तुम सोच रही हो कि घर में कोई का रहना जरूरी है, और तुम हो तो सोच रही हो, और तुम मर गई होती तो भी तो कोई घर में रहता कि नहीं रहता। पर तुमने ये धारण करके कहा कि मैं हूं, मैं करूंगी तब जाकर काम होएगा, मैं संभालूंगी तो संभलेगा, मैं घर में ये करूंगी तो होगा, छोड़ो। रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद को कहा मन से ये निकाल दो, बस एक विचार होना चाहिए, वो क्या, हमारा जन्म क्यों हुआ। हमारे जन्म का कारण है भगवान का भजन कीर्तन। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल एक योनि कौन सी, मनुष्य की है, जो वो भजन कर सकता है। कभी तुमने बंदर को भजन करते देखा, कभी चींटी को भजन करते देखा, कभी कीट पतंगे को भजन करते देखा, नहीं।